जय हिंद दोस्तों, ये है करंट न्यूज का अड्डा 24/7। आप देख रहे हैं दुनिया भर विद सिद्धार्थ, वीकली करंट न्यूज बुलेटिन का पहला एपिसोड। इस सेगमेंट में हम इस हफ्ते के उन खास मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 12 मार्च की शाम हर देशवासी के लिए बहुत ही खास रही। ऑस्कर 2023 में भारत ने धमाकेदार जीत हासिल करते हुए दो ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सितंबर महीने में भारत दौरे पर आने की अटकलों के बीच आईसीसी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन G20 बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। यहां सड़कों पर लोग सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पत्थरबाजी और आगजनी की जा रही है। इस बीच 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने देश में हो रहे धीमी आर्थिक विकास, प्राइवेटाइजेशन, बढ़ते इंटरेस्ट रेट और वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन को लेकर चिंता जताई है। सेम सेक्स मैरिज मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगा। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इसी के साथ पूरी हियरिंग को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में एक बच्ची और पुलिस ऑफिसर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता उसे गलत एग्जाम सेंटर पर छोड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ने बच्ची की मदद की। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। जानकारी के लिए ये बता दें कि इस बैच में आपको यूपीएससी सिलेक्टेड ऑफिसर्स गाइड करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस और सीसैट की संपूर्ण तैयारी होगी। नीचे दिए हुए कोड को इस्तेमाल करें और आज ही एडमिशन कराएं। चलिए अब आइए इन खबरों को विस्तार से सुनते हैं। 12 मार्च 2023 की शाम को 95th अकेडमी अवार्ड में पहली बार भारत को सफलता मिली। इस साल भारत ने एक नहीं बल्कि दो ऑस्कर अवार्ड जीतकर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता। वहीं द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बाजी मारी है। ऑल दैट ब्रिट्स ऑस्कर की शुरुआत में ही रेस से बाहर हो गई थी। हालांकि भारत की इस बड़ी जीत के बाद हर कोई ऑस्कर विनर्स को बधाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर RRR और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट नाटू नाटू गाने को लोकप्रियता ग्लोबल बताते हुए कहा कि सालों साल याद रखा जाएगा इस गाने को। ऑस्कर जीतने के अलावा भारत की बेहतरीन अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का मान बढ़ाया है। दीपिका पादुकोण के देसी अंदाज को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने आखिरी बार जय हो गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच साल 2003 के सितंबर महीने में भारत द्वारा G20 बैठक का आयोजन किया जाएगा। भारत में होने वाली इस G20 समिति में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC ने पुतिन के खिलाफ ये वारंट यूक्रेन में किए युद्ध अपराधों के आरोप में जारी किया है। वारंट पर यूक्रेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुनौती आने वाली है। अगर बात करें G20 समिति की, तो क्रेमलिन की तरफ से ये कहा गया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आने वाले हैं, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुतिन के भारत दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बार G20 देशों के बीच होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इससे पहले यह अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। G20 देशों के समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। वहीं यूरोपीय देश में फ्रांस के विवादित पेंशन सुधार विधेयक यानी पेंशन रिफॉर्म बिल को सरकार ने आधिकारिक पास करवा लिया है। इस बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की अगुवाई वाली सरकार ने स्पेशल पावर का सहारा लिया, जिस वजह से वोटिंग नहीं हुई और सीधा बिल पास हो गया।
बता दें कि इस बिल के विरोध में फ्रांस की जनता पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि बिना वोटिंग के बिल पास हो जाने की वजह से कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी नेताओं ने मैक्रो की सरकार से पेंशन बिल को गैर मंजूरी और नाजायज बताया है, साथ ही इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है, विच इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। वहीं फ्रांस सरकार के इस कदम से पूरे देश में माहौल गर्माया हुआ है। इस बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि देश में सदी का सबसे हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोग पेरिस और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रगान गा रहे हैं। पेरिस में प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पब्लिक स्क्वायर पर शाम होते ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस वालों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और करीब 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारत लगातार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। राजन ने इसे देश के खिलाफ बहुत ही खतरनाक और हानिकारक बताया है। बता दें कि पिछले महीने राष्ट्रीय सांख्यिक विभाग यानी कि NSO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें लगातार हो रहे मंदी के संकेतों के बारे में बात की गई है। NSO की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा फाइनेंशियल ईयर दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर 2022 के मुकाबले तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर दिसंबर 2022 में देश के GDP ग्रोथ रेट में चिंताजनक मंदी दिखी। माना जा रहा है कि ग्रोथ रेट 6.3% से घटकर 4.4% पर आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आखिर है क्या? दरअसल 1987 में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल किया था। 1940 से 1980 के बीच देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। समय समय पर उद्योग बन रहे थे लेकिन बाजार खुले नहीं थे, जिस वजह से देश किसानों पर ही निर्भर था। इस समय भारत का ग्रोथ रेट 4% के आसपास रहता था। इसी को राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया था। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सामने लिस्ट करने का निर्देश दिया है। अब 5 जजों की पीठ इस मामले पर 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विभाग अधिनियम के साथ विशेष विधायी अधिनियमों से जुड़ा हुआ है। इनका एक दूसरे पर गहरा असर होगा। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्यार, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही बरकरार है और कोई भी उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब शादी का अधिकार देना नहीं है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र का दावा है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देना पर्सनल लॉ और स्वीकृतिक सामाजिक मूल्य के बीच नाजुक संतुलन के पूरी तरह विनाश होने का कारण बन सकता है। अब आइए सीरीज की आखिरी खबर। सोशल मीडिया पर अक्सर दिल छू जाने वाली खबरें आती रहती हैं। इन्हीं खबरों को देखकर लोगों का आज भी इंसानियत पर भरोसा बना हुआ है। हाल के दिनों में गुजरात पुलिस अपने एक ऑफिसर अच्छे काम की वजह से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनके काम को काफी सराहा जा रहा है। दरअसल गुजरात में इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में एक लड़की एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर पर पहुंची थी लेकिन उसके पिता जल्दबाजी में अपनी बेटी को गलत एग्जाम सेंटर पर छोड़ गए। लड़की ने रोल नंबर चेक किया तो उसे एग्जाम सेंटर गलत होने की बात पता चली, जिसकी वजह से वो बच्ची घबरा गई। वहीं सेंटर पर ड्यूटी कर रहे वो पुलिस ऑफिसर अधिकारी ने उसे देखा और पूरी बात पूछी। एडमिट कार्ड के मुताबिक सही सेंटर और गलत सेंटर के करीब 2 किलोमीटर का फासला था। पुलिस ऑफिसर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठाकर सही सेंटर पहुंचाया और बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरे रास्ते सायरन ऑन रखा ताकि वो जाम में ना फंसे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे दुनिया भर की खबरें विद सिद्धार्थ। नमस्कार।